पूरा मैच कानपुर टेस्ट में भारत ने रचा इतिहास। रोहित शर्मा ने तोड़ दिया रिकॉर्ड का मीटर, बना दिया ऐसे रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूटेंगे। बांग्लादेश ने भी मान लिया रोहित का लोहा, जीत के असली हीरो रहे ये पांच खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी का आकाशदीप को मिलेगा इनाम, बांग्लादेश तो झांकी था कंगारुओं के सामने उगलेगी आग। जीत के बाद रोहित शर्मा ने कैमरे के सामने बोल दी कई सारी बात। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम इतिहास के लिए जाना जाएगा। भारतीय टीम ने जो लकीर खींच दी है वो सदियों तक मिटाई नहीं जा सकेगी। रोहित शर्मा का प्लान, गौतम गंभीर का ऐलान और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी, अश्विन की फिरकी को हर कोई याद रखेगा। कानपुर के लोगों को लग रहा था कि इस मैच का मजा किरकिरा हो जाएगा, बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया, मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। मगर भारतीय टीम ने कानपुर टेस्ट को T20 बनाते हुए ऐसी ताकतवर बल्लेबाजी की कि हर कोई अचंभित रह गया। वाकई में बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत इस तरीके से किसी टीम को हराए। बीते कुछ वक्त से भारतीय टीम मजबूत होती जा रही है और अब अगला शिकार ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड का करना है। भारत के लिए टेस्ट मैच काफी जरूरी रहा। इस टेस्ट मैच में कई सारे रिकॉर्ड बने और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे उम्मीद जगी है कि वो टीम के लिए आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे मगर सबसे पहले बात उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम किया। जसप्रीत बुमराह तो हमेशा से अलग स्तर के खिलाड़ी रहे, रविचंद्रन अश्विन को भी हर कोई जानता है, जडेजा की ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। मगर सबसे अलग तरीके से अगर रोहित शर्मा को किसी ने प्रभावित करने का काम किया तो विहार के लाल आकाशदीप हैं। भारतीय टीम को तीसरा तेज गेंदबाज चाहिए था। घरेलू क्रिकेट में आकाशदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताया और टीम में उनको शामिल कर लिया। आकाशदीप ने दिखाया कि वो भरोसे के काबिल हैं। हैरानी की बात तो ये रही कि जिसे सब केवल तेज गेंदबाज सोच रहे थे वो एक बेहतरीन बल्लेबाज भी निकला। पहली पारी में देखा गया कि आकाशदीप ने किस तरीके से शाकिब अल हसन को एक ओवर में दो छक्के लगाए, जिससे साफ पता चलता है कि इस खिलाड़ी में बल्लेबाजी की भी ताकत है। आकाशदीप को बल्लेबाजी करते देख इरफान पठान की याद आ गई। प्रवीण कुमार की तरह अच्छा खासा रन बनाना आकाशदीप को आता है, मतलब भारतीय टीम के लिए जरूरत पड़ने पर एक ऑलराउंडर की भूमिका आकाशदीप निभा सकते हैं। ये तो रही बात आकाशदीप की, रविचंद्रन अश्विन जो कि 38 साल के हो चुके हैं उन्होंने भी कमाल कर दिया। इस स्टेज पर आकर इतना बढ़िया क्रिकेट दिखाना बहुत नामुमकिन सा होता है, मगर नामुमकिन को भी मुमकिन करने का काम रविचंद्रन अश्विन ने किया। भारत के लिए कानपुर टेस्ट मैच में सब कुछ अच्छा रहा और यहाँ रिकॉर्ड की झड़ी लग गई। टेस्ट को T20 अंदाज में खेलते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में तीसरे ही ओवर में 50 रन बनाकर इंग्लैंड का सबसे तेज टीम अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि भारत ने 100 रन 11वें ओवर में पूरे करके अपना रिकॉर्ड बेहतर किया। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में सबसे तेजी से 12.2 ओवर में तीसरा अंक छुआ था। इसके बाद भारत ने सबसे तेज 200 रन का ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ 2017 के सिडनी टेस्ट में बनाया था। भारत ने 25 ओवर में ही 200 रन बना डाले। इसी मैच में किंग कोहली ने 35 गेंद में 47 रन बनाते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर 27,000 रन का आंकड़ा पार किया, जबकि रविंद्र जडेजा 300 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बन गए। मतलब कानपुर टेस्ट भारतीय खिलाड़ियों के लिए हर मायने में यादगार रहा। जीत के बाद रोहित ने पूरी टीम की तारीफ की। बुमराह, अश्विन, जडेजा, आकाशदीप सभी के बारे में रोहित खुलकर बोले। अब देखना होगा कि आकाशदीप क्या टीम के लिए दूसरे शमी की भूमिका निभा सकते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि आकाशदीप दूसरे शमी बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके दें। T20 अंदाज में भारत ने जीता कानपुर टेस्ट, बांग्लादेश की टीम को किया अस्त व्यस्त। रोहित गंभीर की चाल ने पलट दिया पूरा मैच। कानपुर टेस्ट में भारत ने रचा इतिहास। रोहित शर्मा ने तोड़ दिया रिकॉर्ड का मीटर, बना दिया ऐसे रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूटेंगे। बांग्लादेश ने भी मान लिया रोहित का लोहा, जीत के असली हीरो रहे ये पांच खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी का आकाशदीप को मिलेगा इनाम, बांग्लादेश तो झांकी था कंगारुओं के सामने उगलेगी आग। जीत के बाद रोहित शर्मा ने कैमरे के सामने बोल दी कई सारी बात। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम इतिहास के लिए जाना जाएगा। भारतीय टीम ने जो लकीर खींच दी है वो सदियों तक मिटाई नहीं जा सकेगी। रोहित शर्मा का प्लान, गौतम गंभीर का ऐलान और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी, अश्विन की फिरकी को हर कोई याद रखेगा। कानपुर के लोगों को लग रहा था कि इस मैच का मजा किरकिरा हो जाएगा, बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया, मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। मगर भारतीय टीम ने कानपुर टेस्ट को T20 बनाते हुए ऐसी ताकतवर बल्लेबाजी की कि हर कोई अचंभित रह गया। वाकई में बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत इस तरीके से किसी टीम को हराए।
है। बीते कुछ वक्त से भारतीय टीम मजबूत होती जा रही है और अब अगला शिकार ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड का करना है। भारत के लिए टेस्ट मैच काफी जरूरी रहा। इस टेस्ट मैच में कई सारे रिकॉर्ड बने और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनसे उम्मीद जगी है कि वो टीम के लिए आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं। रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे मगर सबसे पहले बात उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम किया। जसप्रीत बुमराह तो हमेशा से अलग स्तर के खिलाड़ी रहे। रविचंद्रन अश्विन को भी हर कोई जानता है। जडेजा की ताकत भी किसी से छिपी नहीं है मगर सबसे अलग तरीके से अगर रोहित शर्मा को किसी ने प्रभावित करने का काम किया तो विहार के लाल आकाशदीप हैं। भारतीय टीम को तीसरा तेज गेंदबाज चाहिए था। घरेलू क्रिकेट में आकाशदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताया और टीम में उनको शामिल कर लिया। आकाशदीप ने दिखाया कि वो भरोसे के काबिल हैं। हैरानी की बात तो ये रही कि जिसे सब केवल तेज गेंदबाज सोच रहे थे वो एक बेहतरीन बल्लेबाज भी निकला। पहली पारी में देखा गया कि आकाशदीप ने किस तरीके से शाकिब अल हसन को एक ओवर में दो छक्के लगाए।